सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की ग्रेवी और बहुत ही यूनिक स्टाइल में। आप जरूर इसे ट्राई करिएगा। तो लेट्स गो गाइस। तो देखिए गाइस, मैंने ये पालक ले लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो लिया था। अभी हम कढ़ाई में पानी डालकर इसे उबालने के लिए रख देंगे। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। देखिए मैंने कितना कम पानी डाला है, तो उसी में ही हमें उसे पका लेना है हल्का सा। तो अभी ये मैंने मिक्सी जार ले लिया है, तो इसमें मैंने जीरा, धनिया, काली मिर्ची और थोड़े मिर्च, जो इतना आपको अकॉर्डिंग में तीखा चाहिए उतना आप डाल लीजिएगा। मैंने तो 5 डाला है। और ये मैंने धनिया ले लिया है और इसमें कड़ी पत्ता और अदरक की, बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। उसके बाद तो हमें सूखे ही मसाले यूज़ करने हैं। तो लेकिन जितना मैंने ये मिक्सी में पीसा है ना, बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। अभी इसे पीस लेंगे। तो देखिए ये मसाला रेडी हो चुका है। तो इसे एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं। इसे हम साइड में रख के बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए ये मेरा पालक भी उबल चुका है। अभी इससे अच्छे से ठंडा भी मैंने होने के लिए रख दिया था, तो ये हल्का ही गर्म है अभी। तो इसे भी पीस लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। तो अभी इसे भी अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो देखिए इसी तरह आपको सब पालक पीस लेना है। हम बाकी के भी जितने भी पालक है ना, उसे भी पीस लेते हैं। पालक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों लोग तो इसे खाते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आप इसे इस तरह बना के बच्चे लोग को ज़रूर खिलाइएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी के साथ और राइस के साथ, सबके साथ खा सकते हो इसे आप। मैं तो ये अपने टिफिन के लिए बना रही थी, तो जिसकी वजह से मैं ये रोटी के साथ खाने वाली हूँ। तो अगर आपको राइस के साथ खाना होगा ना, तो इसे थोड़ा लिक्विड जैसा, मतलब थोड़ा पतला बनाइएगा। ये मैंने गाढ़ा गाढ़ा बनाया है क्योंकि मुझे ये टिफ़िन में, मतलब रोटी के साथ खाना है ना, इसलिए। तो देखिए मैंने ये पूरा पीस लिया है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। मैंने थोड़ा हींग डाल दिया है, ड्राई जीरा, और इसमें हमने तो सब पीस लिया था, तो इसके इसमें सिर्फ हमें कांदा ही डालना है। तो देखिए ये कांदा मैंने डाल दिया है इसमें। तो अभी इसे ब्राउन होने तक थोड़ा पका लेंगे। देखिए भून चुका है, अभी ब्राउन हो चुका है। तो इसमें जो हमने जो मैं मिक्सी में जो मसाले पीसे थे ना, तो वो मसाला इसमें हम डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह भून लेंगे इसी में। तो इसे अच्छी तरह भुनने के बाद, उसके बाद जो हमने पालक पीसा है ना, वो पालक भी इसमें डाल देंगे हम। और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे हम। ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि मतलब टोप में और मिक्सी जार में जो थोड़ा बहुत पालक वो चिपक गया था, उससे मैंने पानी से खंगाल के ले लिया है और उसे इसमें डाल दिया है। तो देखिए हमें ऐसे ही चलाते रहना है इसे, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ दोगे ना, तो ये उबलने लगेगा और है ना, जोर जोर से छींटे मारने लगेगा पालक। तो फिर देखिए ये मैं सूखे मसाले इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने डाला है धनिया,
हल्दी और थोड़े बहुत गरम मसाले डाले हैं मैंने, और मिर्ची पाउडर, बस इतने ही डालने हैं इसमें। और इसे अच्छी तरह मिला लीजिए, चलाते रहिएगा क्योंकि ये छींटे मारते तो आपके आँख में भी आ जाएंगे, तो खाली आपको चटका लग जाएगा ना, तो इसलिए। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे, जैसे आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसा नमक चाहिए वैसा आप डाल दीजिएगा। बस इसमें अभी ये सब काम हो चुका है, फटाफट इसे हिलाकर और इसे फटक से ढक दीजिए, क्योंकि ये जो जो से ऐसे अभी देखा छीट, आप देख सकते हो कैसे छींटे मार रहा है पूरा सब जगह। तो इसे थोड़ी देर ढक के पका लीजिए, 5 मिनट तक आप इसे ढके के स्लो आंच में पकाते रहिए। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, अभी इसका सब पानी मतलब अभी छींटे भी नहीं मार रहे क्योंकि इसके सब पानी थोड़े सूख गए हैं। तो देखिए ये ऐसा, और 5 मिनट में इसका कलर भी बदल चुका है, देखिए ये कितना अच्छा हो गया है। तो अभी ये पक चुका है, तो देखिए मैंने ये छाछ लिया है, अभी मैं इसमें छाछ डालूंगी। मैं इसमें ना छाछ डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा। अगर आपको छाछ नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डालोगे, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उबाल लीजिएगा, और लेकिन तड़का ज़रूर मारिएगा ऊपर से। तो मुझे तो छाछ बहुत अच्छा लगता है छाछ वाला, तो जिसकी वजह से मैंने इसमें 1.5 ग्लास छाछ डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको राइस के साथ खानी है ना तो थोड़ा लिक्विड के जैसा आपको ज़्यादा बनाना है तो इसमें और ज़्यादा छाछ डालिएगा। मैंने तो ये रोटी के साथ खाना करके थोड़ा गाढ़ा ही बना होने की वजह से 1.5 ग्लास डाला है। तो देखिए अच्छे से इसे मिला लीजिए, देखिए इसका रंग कितना सुंदर हो चुका है। अब इसे तड़का मारेंगे हम, तो मैंने करछुल में तेल डाल दिया है, इसमें राई जीरा, कड़ी पत्ता, और मैंने साबुत वो जो हरी लाल मिर्च रहती है ना, सूखी वाली लाल मिर्च, वो डाला है। सूखी वाली लाल मिर्च से ना खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है, तो सूखी वाली लाल मिर्च हरी भाजी में आप जरूर ट्राई करते रहिएगा, वो बहुत ही अच्छी लगती है सूखी लाल मिर्च सब हरी भाजी में। तो देखिए ये अच्छे से तड़का हो चुका है, अब हम इसे डाल देंगे इसमें, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और ये खाने में इतनी ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप ज़रूर ऐसे बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, और अगर आपके यहाँ जैसे भी बनती होगी आप इस ग्रेवी को किस तरह बनाते हैं पालक की, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरी ये ग्रेवी, पालक की ग्रेवी कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो देखिए ये रेडी हो चुकी है, तो आप भी इसी तरह बना के इस मील को एंजॉय करिए। थैंक यू, ये बहुत ही टेस्टी रहती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा मैंने पालक की ग्रेवी कैसे बनाई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये मैंने लंच में बनाई थी अपने टिफिन के लिए। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो। और मेरे, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।